देश के सच्चे देशभक्त नागरिक हैं, तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए, ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए, आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी भी देश के नेता है, देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा ये कहना है, अब इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए, हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहां आकर चुनाव लड़िए, राहुल जी वह आएंगे तो जरूर जीत जाएंगे। अभिषेक और चीज कहते हैं कि पार्लियामेंट जिस प्रकार से बयानबाजी उसको लेकर कह रहे कि आने वाले समय में शायद हो सकता है मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो पार्लियामेंट में, उनके साथ उनकी इस बयान को किस तरह देखिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी का जो रवैया है चुनाव जीतने के लिए वो ठीक नहीं है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान कानून नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पार्लियामेंट चलाते हैं, सदन चलाते हैं, चुनाव कर लड़ते हैं, तो ओवैसी साहब के बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।